जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन शास्त्र के क्लास में जल के वैद्युत अपघटन के लिए जो सामान्य रूप से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं उस प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल के वैद्युत अपघटन के प्रयोग के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, हम उन सामग्रियों का पहले नामकरण कर लेते हैं। जैसे एक नंबर प्लास्टिक का मग, एक हुआ। दूसरा उपकरण हम लोग ले लेंगे दो दो ग्रेफाइट का छर। उसके बाद तीसरा उपकरण हम लोग ले लेंगे दो परखनली, दो कांच की आशांकित परखनली। तीसरे उपकरण के बाद चौथा चौथे ऑप्शन में मोन और पांचवा हम एक सेल ले लेंगे। और चालकता यदि जल का वैद्युत अपघटन हमें अपने घर में सामान्य रूप से करना है, प्रायोगिक रूप में जल के वैद्युत अपघटन से हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को प्राप्त होते देखना है, तो इसके लिए हम क्या क्या ले लेंगे। एक प्लास्टिक का मग, दो ग्रेफाइट का छर, दो कांच की आशांकित परख नली, कुछ मोम सेल और चालक तांब। इस तरीके से हम ये इन सारे सामग्रियों को उपलब्ध कर लेंगे। फिर हम लोग इन सारी सामग्री को चित्रानुसार सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक के मग में दो छिद्र कर देंगे। ये जो यहां देख रहे हैं आप, ये दो छिद्र हम इन जग के नीचे पैंदी के भाग में दो छिद्र कर देंगे। अब उन दोनों छिद्रों में हम लोग क्या करेंगे, जो बोले कि दो ग्रेफाइट का छर लेना है, वो ग्रेफाइट का छर आप कहां से ले सकते हैं, तो वो ग्रेफाइट का छर हम लोग घर में शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। और शुष्क सेल में जो धन पोल बनाया जाता है, जो आप बैटरी के ऊपर ऐसे टोपी लगी हुई स्थान को देखते हैं, तो इसके नीचे ग्रेफाइट की छर लगी जाती है जो धन ध्रुव को सूचित करता है। और ये जो जास्ता का प्लेट होता है, अंदर में बॉक्स होता है, वो ऋण ध्रुव होता है माइनस। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रेफाइट के छर को यूजलेस शुष्क सेल से ग्रेफाइट के छर को निकालेंगे। तो दो शुष्क सेल से हम दो ग्रेफाइट के छर को निकाल करके और मग में किए गए दोनों छिद्र के अंदर प्रवेश करा देंगे। तो ये हमने चित्र में दिखाया है कि एक ग्रेफाइट का छर और दूसरा ग्रेफाइट का छर हमने जग में किए गए छिद्र में क्या करा दिया है, प्रवेश करा दिया है। अब जिस स्थान पर हमने ग्रेफाइट के छर को मग के जिस छिद्र से होकर प्रवेश कराया है, तो वहां कुछ ना कुछ खाली स्थान, रिक्त स्थान बच गया है। और उन रिक्त स्थानों को हम लोग मोम से क्या करेंगे, मोम से भर देंगे, ताकि वो स्थान, छिद्र वाला
स्थान जल अवरोधक हो जाए, यानी जल जब हम इस मग में जल डालें प्रयोग के लिए तो जल नीचे की ओर नहीं रिसे। तो दो काम कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मग में जल की मात्रा, इन दोनों ग्रेफाइट के छर जो इलेक्ट्रोड के रूप में हैं, इनसे इनकी सतह से ऊपर हम जल की मात्रा ले लेंगे। तो हमने जल ले लिया। अब हमने क्या बोला था, दो परख नली, दो कांच की आशांकित परख नली, दो कांच की आशांकित परख नली में हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से जल भर लेंगे और इसे अंगूठे से बंद करके इलेक्ट्रोड के ऊपर उलट देंगे। इस प्रकार एक परख नली को जल से भर करके अंगूठे से बंद करके और उस पर उलट करके रख देंगे ताकि इलेक्ट्रोड क्या हो, परख नली से ढक जाए। फिर दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए भी वैसा ही करेंगे कि दूसरी परख नली में जल भरेंगे और पूर्ण जल भर करके उसको अंगूठे से बंद करके और धीरे धीरे दूसरे इलेक्ट्रोड को ढक देंगे। इस तरीके से अब हमारा ऊपर का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों ग्रेफाइट के छर के निकले हुए भाग से कुछ चालक तार जोड़ लेंगे और तो इस इलेक्ट्रोड से भी चालक तार जोड़ लिए और दूसरे ग्रेफाइट के छर जिसे हम इलेक्ट्रोड, क्योंकि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं तो हम उन्हें, वो यदि वो चालक है तो उन्हें हम लोग क्या बोलने लगते हैं, इलेक्ट्रोड। ये पहले ग्रेफाइट का छर था, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत चालन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो अब दोनों इलेक्ट्रोड के साथ हमने एक चालक, दो चालक तार जोड़ लिया और दोनों चालक तार को एक से के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। अब हमारा जल का विद्युत अपघटन होने के लिए क्या है, पूर्ण सामग्री का चित्रानुसार निरूपण हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां सेल से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। तो मान लिया जाए हमने एक स्विच लगा दिया है, सॉरी हम इसमें नहीं लगाएंगे, इस वायर में एक स्विच लगा देंगे हमारा स्विच है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे हमारा चालक तार सेल के साथ जुड़ा हुआ है, विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर कंटिन्यू होना प्रारंभ हो जाएगा। अब यह प्रक्रिया थोड़ी देर तक चलने देंगे, थोड़ी देर तक जब यह क्रिया होती रहेगी यानी सेल से विद्युत धारा जल से प्रवाहित होती रहेगी तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि दोनों परख नली में बुलबुले उठ रहे हैं। बुलबुला उठने का मतलब हो जाता है कि यहां कोई ना कोई गैस निर्मित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जल जो है, जल का अणुसूत्र H2O, कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हमारे जल का अणु टूट रहा है और जल का अणु टूट करके किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परिणत हो रहा है। अब हम जान रहे हैं कि ना कि जब हाइड्रोजन और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपातिक मान को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 2 और ऑक्सीजन का 1। कि हाइड्रोजन का आयतन 2 गुना और ऑक्सीजन का आयतन 1 टाइम, क्योंकि ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन के परमाणु की गिनती की संख्या 1 है और हाइड्रोजन के परमाणु की गिनती की संख्या 2 है। जब यह अभिक्रिया होने लगेगी, हम जल में बुलबुले को उठते देखेंगे तो धीरे धीरे हमने परख नली को क्या किया था, पूर्ण रूप से जल से भर रखा था, लेकिन जब गैस
निर्मित होगा जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा, तो ये गैस ऊपर की ओर जाने लगेंगी और गैस के दाब के कारण परख नली के जल का स्तर नीचे आने लगेगा। तो दोनों परख नली में यह प्रक्रिया हो रही है कि अब दोनों में गैस का बुलबुला उठ रहा है। तो हम देखेंगे कि जिस परख नली में जल स्तर ज्यादा नीचे आ चुका है तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन गैस निर्मित हुआ है, और जिसमें जल का स्तर कम नीचे आया है उसका मतलब है कि उधर ऑक्सीजन गैस निर्मित हुआ है। क्यों? क्योंकि जल में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अधिक है, इसलिए इसके हाइड्रोजन गैस के निर्माण का आयतन भी अधिक होगा और ऑक्सीजन के परमाणु की गिनती की संख्या कम है, इसलिए इसके ऑक्सीजन गैस के निर्माण का आयतन कम होगा। इस प्रकार हम पूर्ण विवरण से जान जाते हैं या इस प्रयोग को करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति कर सकते हैं प्रायोगिक विधि से। अब यदि हमें जांच करना है कि कौन से परख नली में, ये तो हम देख करके भी पता कर सकते हैं कि जिसमें जल का स्तर कम है उस परख नली में हाइड्रोजन गैस बना है, और जिसमें जल का स्तर अधिक है और खाली स्थान कम बना है तो हम वहां बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस है। लेकिन यदि हमें इसकी भी जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, फिर हाथ को अंदर डाल करके अंगूठे से अच्छे से परख नली के मुख को दबाएंगे और एक एक करके दोनों परख नली को निकालेंगे और हम जांच कर सकते हैं कि कौन सा किस परख नली में हाइड्रोजन गैस निर्मित हुआ है और किस परख नली में ऑक्सीजन गैस निर्मित हुआ है। जब हम लोग एक परख नली को किसी परख नली को निकाले और उसके मुख के पास जलती हुई माचिस की तीली लेके जाएंगे, अंगूठे को जब से छोड़ेंगे, सावधानी पूर्वक हम एक परख नली को पहले अंगूठे से दबा करके बाहर निकालेंगे और उलट कर रखेंगे, और उससे पहले हम एक माचिस की तीली जला के रखेंगे। माचिस की तीली यदि पप ध्वनि के साथ जलकर बुझ जाए तो हम समझेंगे, यानी यहां कौन सा गैस, इस परख नली में कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। कि यदि परख नली से अपने अंगूठे को हटाए और इसके सामने हम माचिस की जलती हुई तीली को ले गए तो और माचिस की जलती हुई तीली पप ध्वनि के साथ एक बार जोर से जले और फिर माचिस की तीली बुझ जाए तो हम इस अवस्था इस स्थिति में समझ जाएंगे कि वहां कौन सा गैस निर्मित हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निर्मित हो रहा है। अब यदि दूसरी परख नली को भी हम अंगूठे से दबा करके सावधानी पूर्वक बाहर निकालें और उस परख नली के सामने हम क्या करें, माचिस की जलती हुई तीली को लेके जाएं तो हम देखें, और यदि हमें दिखाई दे कि माचिस की तीली और जोर जोर से जलने लगी है तो इसका मतलब है कि यहां ऑक्सीजन गैस है, कि इस परख नली के अंदर कौन सा गैस था, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस दहन का पोषक पदार्थ है और इसकी वजह से माचिस की तीली के ज्वाला की लपट और तेज हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इस बात को जांच भी कर सकते हैं कि किस परख नली में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ है और किस परख नली में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुआ है। इस प्रक्रिया के तहत हम लोग जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के निर्माण की प्रक्रिया कर सकते हैं। आज देखिए, इसी प्रक्रिया के तहत, जल के वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के तहत ही ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जाता है और इसका औद्योगिक रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज कोरोना वायरस के इस माहौल की स्थिति में हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे भारत में ऑक्सीजन की कमी है, तो हमारे भारत में ऑक्सीजन के उत्पादन करने की कमी नहीं है, हमारे भारत में ऑक्सीजन लगभग जिस तरीके से इस कोरोना महामारी में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो हमें 7500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी,
लेकिन और हमारे देश को ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता कितनी है तो 7800 मेट्रिक टन। अब हम देख रहे हैं लेकिन फिर भी हम सोचते हैं या सुनते रहते हैं कि ना हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है। नहीं, हमारे देश में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। वो कमी कैसी है कि हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को एक स्थान से, ऑक्सीजन गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस रूप में, तरल रूप में लेके जाते हैं। और उस तरल अवस्था में जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट कंटेनर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखते हैं, 185 डिग्री सेल्सियस। तो सिर्फ हमारे देश में इन्हें एक स्थान से यानी क्रायोजेनिक मोड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले कंटेनर की कमी है, कमी थी या है। और ये जब हम किसी गैसीय पदार्थ को -185 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो इसे क्रायोजेनिक मोड कहते हैं, अति शीतलित अवस्था। और सिर्फ हम लोग अति शीतलित अवस्था में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। नहीं तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि हम ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं, जबकि औद्योगिक रूप में हमारे देश में 7800 मेट्रिक टन ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता है। तो इसके बाद हम अगले क्लास में दूसरे जैसे एकल विस्थापन अभिक्रिया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।